जिम्बाब्वे दौरे से पहले टीम की बड़ी चिंता, टीम के सामने पानी की समस्या, बीसीसीआई ने दी कम पानी खर्च करने की सलाह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है। आपको बता दें कि 6 सालों के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलने के लिए पहुंची है। साल 2016 में आखिरी बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी। इस दौरान भारतीय टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी और अब टीम इंडिया एक बार फिर से जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर बीसीसीआई ने अपडेट भी दे दी थी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इस दौरे पर बात करें तो कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, साथ ही सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा कई युवा खिलाड़ियों को इस दौरे पर मौका दिया गया है, जिनमें दीपक चाहर लंबे समय के बाद वापसी करने जा रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन होंगे टीम के साथ, कई अन्य खिलाड़ी भी शामिल हैं। बहरहाल इन सभी के आपको बता दें कि भारतीय टीम को अब पानी की समस्या से जिम्बाब्वे में जूझना पड़ रहा है। भारतीय टीम को बीसीसीआई ने नसीहत दे दी है कि आप पानी का कम वेस्टेज करें और साथ ही क्विक शावर के लिए भी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सलाह दी है। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो इस वक्त जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जहां टीम इंडिया 18 अगस्त को अपना पहला मुकाबला खेलेगी, वहां टीम इंडिया को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल हरारे में इस वक्त पानी की समस्या है और लोगों को लंबी कतारों में लग करके पानी भरना पड़ रहा है। साथ ही वहां पर पानी की समस्या को देखा जा रहा है और लोगों को इसकी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। हरारे में इस वक्त पानी की समस्या है और इसी को लेकर बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को भी नसीहत दी है कि आप पानी की कम वेस्टेज करें। इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को कहा है कि आप पानी की कम वेस्टेज के साथ साथ क्विक शार्क का इस्तेमाल करें, जिससे पानी कम वेस्ट होगा, कम खराब होगा और पानी कम यूज होगा, तो ऐसे में वहाँ पानी की बचत हो पाएगी और जो लोग इस वक्त पानी से जूझ रहे हैं उन्हें ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई ने कई अन्य नियम भी भारतीय खिलाड़ियों को दे दिए हैं। साथ ही बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि भारतीय खिलाड़ियों को इस बात के बारे में भी बताया गया है कि आप पूल सेशन से बचें और स्विमिंग पूल में जाकर के पानी की वेस्टेज ना करें। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पूल सेशन के लिए भी रोक लगा दी गई है और भारतीय खिलाड़ी को कहा गया है कि आप ज़्यादा पानी की वेस्टेज ना करें, क्योंकि हरारे में इस वक्त वहां के स्थानीय लोग पानी से और साथ ही पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसे में अगर भारतीय खिलाड़ी ज़्यादा पानी की वेस्टेज करेंगे तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा जानकारी अगर आपको दें तो हरारे में मोर्टेन जेफरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर हरारे के लगभग 20 लाख लोगों के घर में पानी जाता है और यह प्लांट अब 48 घंटे के लिए बंद हो गया है और ऐसे में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में पानी की समस्या और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 18 अगस्त को भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलेगी और तब तक यह प्लांट बंद रहेगा और जिम्बाब्वे की राजधानी में लोगों को साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को भी पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और बीसीसीआई ने भी इसको लेकर भारतीय खिलाड़ियों को नसीहत दी है कि आप पानी की कम वेस्टेज करें। बहरहाल अभी तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ अन्य समस्याएं सामने आती है। इसके अलावा भारतीय टीम किस तरीके का प्रदर्शन 3 मैचों की वनडे सीरीज में करती है। आपको बता दें कि 18, 20 और 22 अगस्त को सीरीज के 3 मुकाबले खेले जाएंगे और भारतीय टीम इस सीरीज के साथ अपने एशिया कप की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने उतरेगी। क्या कुछ आपकी राय है पानी की समस्या को लेकर, साथ ही भारतीय टीम को बीसीसीआई के द्वारा दी गई इस नसीहत को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।